When you enter in the aircraft, जब से ही हम एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं यानी कि उसके अंदर जाते हैं, द एयर होस्टेस विल गाइड यू टू योर सीट एंड शोइंग हर द बोर्डिंग पास। कि ये जो क्या दिखाया है कि ये जो हमारी एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस हमें क्या बताती है कि आपकी सीट नंबर हमें उसे शो करना होता है, वो हमें बताएगी कि हमको कहाँ बैठना है। और वो कैसे बताएगी? जब हम अपना बोर्डिंग पास उसे शो करेंगे कि आपको बेल्ट लगाना है या सब गाइडेंस वो प्रोवाइड करती है हमें। द फ्लाइट विल देन टेक ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ ही मिनट्स में फ्लाइट टेक ऑफ करती है यानी कि फ्लाइट हमारी उड़ने लगेगी। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द फ्लाइट पर्सन एंड एंजॉय द फ्लाइट। कि फ्लाइट में बैठने के बाद जो फ्लाइट के इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं, जो पर्सन वहां के होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड एंजॉय द फ्लाइट, कि हमें फ्लाइट को एंजॉय करना चाहिए। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें फ्लाइट में कैसे बैठना है, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, हमें सीट बेल्ट बांधने हैं, ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं। अगला आता है गेट डाउन एट द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट लैंड्स एट योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। कि गेट डाउन एट द एयरपोर्ट यानी कि हम अपनी तय की हुई डिजायर्ड डेस्टिनेशन, अपनी निश्चित की हुई डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंच जाते हैं तो फ्लाइट वहां पे लैंड करती है और हमें वहां से नीचे उतर के आना होता है। नेक्स्ट है ऑन गेटिंग डाउन प्रोसीड द इमिग्रेशन काउंटर वेयर द ऑफिसर्स विल चेक योर पासपोर्ट वीजा अगेन। जैसे हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, वहां के ऑफिसर्स इमिग्रेशन काउंटर यानी जहां से हम बाहर निकलने वाले होते हैं, यानी कि इस एयरपोर्ट के अंदर से जहां से हम बाहर आएंगे, वहां के ऑफिसर्स दोबारा से हमारा वीजा, पासपोर्ट, हमारी स्टैम्प्स, ये सब चेक करेंगे और वहां पे स्टैम्प देन दे विल स्टैम्प, और वहां पे वो स्टैम्प भी लगाएंगे कि हम उनकी कंट्री में कब एंटर किए, कौन सी डेट को आए। प्रोसीड नेक्स्ट टू कलेक्ट योर लगेज फ्रॉम द कन्वेयर बेल्ट एंड कम आउट द एयरपोर्ट। तो उसके अगला क्या होता है प्रोसीजर, कि हमारा जो लगेज है वो आता है कन्वेयर बेल्ट से, मतलब कि जो चेकिंग प्रोसेस होता है वहां से वो बाहर आएगा। कन्वेयर बेल्ट एक ऐसी रेलिंग होती है, ये देखिए, जिसके ऊपर से चल के हमारा सामान हमारे पे आ जाएगा एंड कम आउट द एयरपोर्ट, कि वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाएगा, तो हम अपना लगेज कलेक्ट करके वहां से जा सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम मजे करते हैं, एंजॉय योर स्टे इन द न्यू कंट्री। नई कंट्री में हमारा स्टे एंजॉय करो, यानी कि वहां पे हम रहने के लिए गए तो एंजॉय करो, बट रिमेम्बर टू फॉलो द सेम प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप नंबर 3 व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर ओन कंट्री। क्या बताया कि स्टेप नंबर थ्री हमने क्या पढ़ा था कि हमारा सब सामान चेक होता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, उसी के बारे में हमने पढ़ा था अभी। तो वही बताया कि जब हम दोबारा हमारी कंट्री में आएंगे तो वो सेम प्रोसीजर हमें अब फॉलो करना होगा। एज यू ऑलरेडी हैव अ रिटर्न टिकट, जैसे ही आप अपनी रिटर्न टिकट करवा लोगे, जैसे आपके पास होगी पहले से ही, एंड नो वीजा इज रिक्वायर्ड टू कम बैक टू वन सेवन कंट्री। तो वापस वीजा रिक्वायर नहीं होगा हमारी कंट्री में आने के लिए, हमें सिर्फ वीजा दूसरी कंट्री में जाने के लिए चाहिए होता है, हमारी कंट्री में वापस आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। तो देन यू डू नॉट नीड टू रिपीट स्टेप 1 एंड 2, यानी कि वीजा वाला जो स्टेप है वो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम फैक्ट फाइल पे पढ़ते हैं। यू डू नॉट नीड ए पासपोर्ट टू ट्रेवल नेपाल फ्रॉम इंडिया। नेपाल जो है वो इंडिया के बॉर्डर पे है, तो हमें नेपाल में ट्रेवल करने के लिए क्या बोला है कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यू गेट योर वीजा ऑन अराइवल इन नेपाल। सिर्फ एक वीजा की जरूरत पड़ती है कि जब हम नेपाल में अराइव करते हैं। वाइल ट्रेवलिंग बाय एयर यू कैन नॉट कैरी मोर देन 1 पीस ऑफ हैंड लगेज। कि जब हम एयर से ट्रेवलिंग करते हैं यानी कि एयरपोर्ट में जाते हैं और एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करते हैं, तो हमें हैंड लगेज के तौर पे एक ही लगेज ले जा सकते हैं। बहुत बड़े साइज का या भारी भरकम सामान हम वहां पे नहीं ले जा सकते। इज डिसाइडेड बाय एयरलाइंस यू चूज टू ट्रेवल बाय। और भारी भरकम सामान भी एयरलाइंस डिसाइड करती है कि आप लोग ले जा पाओगे या नहीं, नहीं तो वो ज्यादा हैवी सामान होता है तो एयरलाइंस जो होती है वो मना कर देती है। नाउ कम टू आवर स्क्रैप बुक। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रैप बुक में दिया है लेट्स टेक ऑफ, मतलब कि यहाँ पे ना आपको ये पिक्चर दी हुई है और पिक्चर के साथ साथ आपने देख रहा होगा कि रास्ता भी दिख रहा है कि हमें फ्लाइट तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले सिमोन एयरपोर्ट पे जाता है, देन हम जाएंगे स्क्रीनिंग मशीन पे, स्क्रीनिंग मशीन से हम पास होते हुए एयरलाइन काउंटर्स पे, देन इमिग्रेशन पे जाएंगे जहां से हमारे
इमिग्रेशन होगा, मतलब सारी चीजें चेकिंग होगी, फिर हम वहां से सिक्योरिटी चेक को पास करेंगे, सिक्योरिटी चेक को पास करते हुए वेटिंग एरिया में वेट करेंगे, देन हमारी फ्लाइट बोर्ड होगी और देन हमारा अमेरिकन एयरपोर्ट, जहां पे भी हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अमेरिका का दिया है, किसका दिया कि सिमोन का, तो सिमोन कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।